हाय गाइस, सो आई एम गोना टॉक अबाउट सम मेकअप प्रोडक्ट्स जो काफ़ी अमेजिंग हैं और मैं अपने डेली बेसिस पे उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, तो आप सिर्फ इन मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन कीप ऑन वॉचिंग। चैनल पे न्यू है और मेरे वीडियोज देखना पसंद है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मेरी फेवरेट लिपस्टिक की। आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये लिपस्टिक कौन सी है, तो वो लिपस्टिक है वेट एंड वाइल्ड की गिव मी मौका। एंड आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक एंड टेलिंग यू गाइज, यू शुड ट्राई दिस लिपस्टिक। ये बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है एंड यू विल लव इट। एक बार ट्राई करके देखो, यू विल लव इट। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा डस्की स्किन टोन है तो आपको वॉश आउट कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू विल लव इट। दिस प्रोडक्ट इज टू गुड। इसका जो शेड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आपका स्किन टोन मेरे टाइप है या फिर मुझसे कम है या फिर मुझसे ज्यादा है, जस्ट गो फॉर इट। आई हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। मुझे इसे यूज करते हुए ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गए एंड ट्रस्ट मी, कुछ भी हो जाए ये लिपस्टिक तो मेरे साथ पक्का ही रहती है। सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज, जो कि बहुत ही अमेजिंग है एंड आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए इस प्रोडक्ट को, वो है डर्माकोका 2% नियासिनामाइड हाई कवरेज फाउंडेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें SPF 40 है, PA++++, कितनी अमेजिंग बात है। एंड इट हैज 2% नियासिनामाइड, 1% हाइरोलोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स। वन मोर थिंग, 12 hours ऑयल कंट्रोल, 12 hours लॉन्ग स्टे एंड प्लस हाइड्रेटिंग फॉर्मूला। वैसे तो आपको अपनी सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी होती है, बट स्टिल अगर आपकी सनस्क्रीन आपने थोड़ी कम लगाई है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपके फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें SPF हो, एकदम ब्राइटन अप कर देता है फेस को। मेरे पास ये दो शेड्स हैं डर्माको के फाउंडेशन के, एक है 01 आइवरी जो कि मेरी स्किन से बहुत ज्यादा लाइट है एंड दूसरा है 05 पीच जो कि मुझसे मेरे स्किन टोन से थोड़ा और डार्क है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों के एक एक ड्रॉप लेती हूँ और उसको मिक्स करती हूँ और लगा लेती हूँ, मेरा परफेक्ट शेड बन जाता है। एंड गाइस, जो फिनिश है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसमें जो नियासिनामाइड है वो ऑयल कंट्रोल करता है, प्लस जो भी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। 1% हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। SPF 40, PA++++ स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन रेडिएशन से। प्लस दिस फाउंडेशन इज फ्रेग्रेंस फ्री। मार्केट में कितने सारे फाउंडेशन है, उनमें आपको पता है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में परफ्यूम होता है, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, बट दिस प्रोडक्ट इज फ्रेग्रेंस फ्री। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी, वो ये है कि ये फाउंडेशन स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, जो कि इतनी अमेजिंग चीज है। मुझे बहुत पसंद आई ये चीज इस प्रोडक्ट की। और ये जो फाउंडेशन है वो 7 डिफरेंट शेड्स में आते हैं, तो आपका कोई भी शेड है आप चूज कर सकते हो अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग। अगर आपको डर्माको का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है राशि20। आप डर्माको की वेबसाइट पे जाकर मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस मस्कारा। एज आई लव दिस मस्कारा बिकॉज ये वाटर प्रूफ नहीं है और मेरी जो आई लैशेज है वो टूटती नहीं है। अगर हम डेली बेसिस पे मस्कारा यूज करते हैं, वो भी वाटर प्रूफ, तो हमारी जो पलके होते हैं वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये मस्कारा यूज करती हूँ जो बिल्कुल भी आई लैशेस को तोड़ता नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है, एकदम कर्ल कर देता है आई लैशेस को। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आई हाईली रेकमेंड दिस मस्कारा। सो द लास्ट प्रोडक्ट जो कि हम ऑलवेज अपना मेकअप करते हैं तो लगाना चाहिए, वो है दिस ब्लश जो कि है स्विस ब्यूटी से। इस प्रोडक्ट इज वेरी अफोर्डेबल एंड इसका जो कलर पे ऑफ है, जो कलर है इसका बहुत ही सुंदर है, कलर है बहुत ही सटल है, बहुत ही नेचुरल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लगा लिया है, बहुत ही नेचुरल कलर है, स्किन को एकदम से ब्राइटन अप कर देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका जो शेड है वो है सॉफ्ट न्यूड एंड आपको ये ब्लश जरूर पसंद आएगा। अगर आपका मेरा स्किन कलर है या मुझसे थोड़ा डार्क है या फिर मुझसे ज्यादा फेयर है, तो आप ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो मैं डेली मेकअप में यही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, ज्यादा इतना बढ़ चढ़ के मैं मेकअप करती नहीं हूँ, मैं बेसिक मेकअप करती हूँ एंड यही प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, मैं कॉन्टोरिंग और ये सब नहीं, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक एंड ब्लश। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, बहुत जब कुछ पार्टी होती है तो फिर भी मैं कुछ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। सो गाइस, है नेक्स्ट ब्लश, ये स्विस ब्यूटी का ब्लश है, शेड है सॉफ्ट न्यूड एंड ट्रस्ट मी दिस ब्लश इज टू गुड। एक तो बहुत अफोर्डेबल है, प्लस इसका कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप
ये दिख रहा है आप कलर, एकदम नेचुरल कलर है. अगर आप इसको अपनी चीक्स पर लगाते तो बहुत ही अच्छा कलर आता है. आई जस्ट लव दिस कलर. एंड अगर आपका मेरा स्किन टोन है या फिर मुझसे कम है या फिर मुझसे ज्यादा है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. ब्लश में मैं सिर्फ यही यूज करती हूँ और कोई भी यूज नहीं कर रही हूँ. मेकअप गाइज बहुत ही बेसिक रहता है मेरा, इतना बढ़ चढ़ के मैं डेली नहीं लगाती हूँ. मुझे काफी लोग पूछते थे कि कौन से आप मेकअप प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे यूज करते हो, तो ये हैं वो प्रोडक्ट्स मैं डेली बेसिस पे जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो यूज करती हूँ. बट यस, ये जो फाउंडेशन है ये रिसेंटली मैंने अभी लगाना स्टार्ट किया है एंड आई जस्ट लव दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज इसमें SPF है, मेनली इसमें SPF है. एंड SPF आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहीं भी बहुत देर तक मैं बैठी रहती हूँ, मतलब मेरे फेस पे सन रेज आते हैं, तो एक वो होता है कि इस फाउंडेशन में भी SPF 40 है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है UV रेज से. सो आई लव इट. सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन कमेंट मी एंड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी किसी चीज से भी रिलेटेड, मेकअप हो या स्किन केयर, किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं. एंड यस, अगर आपको मेरे वीडियोज देखना पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.